स्वागत मेरे चैनल केएम स्टूडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए काफी एक दिलचस्प सीरीज चालू करने वाला हूं, जिसके अंदर मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं कुछ, और वो इस साल आईआईटी से पास आउट हो रहे हैं, है ना। अभी तो उनका फाइनल हुआ नहीं है, जैसे कि कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले चल रहा है, पर ऑलमोस्ट क्लियर है सब कुछ, जॉब पे जाने वाले हैं, ठीक है। उनके 4 साल का एक्सपीरियंस उससे पहले का, और क्या उन्होंने जॉब के लिए सोचा, उनके कुछ दोस्त जो है वो जॉब ना करके कुछ अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हायर स्टडीज में जा रहे हैं, तो हम पूरे उनके 4 साल का, उससे पहले का और अब जो एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, जिससे कि आप लोगों तक पूरा उनका एक्सपीरियंस पहुंच सके। काफी सारी चीजें जो दिमाग में रहती है, कॉलेज में कौन सी ब्रांच अच्छी है, क्या प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना, इसके अलावा कॉलेज के दौरान मस्ती होती है नहीं होती है, ठीक है ना, कितना प्रेशर रहता है, और असाइनमेंट्स किस तरीके से मिलते हैं, हॉस्टल क्या है, खाने का क्या सिस्टम रहता है, तो काफी सारी चीजें मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो के अंदर हम कलेक्ट करें और इन लोगों का जितना जूस निकाल सके उतना निकाल लें, क्योंकि इन्होंने भी हमारा खूब जूस निकाला है। तो स्वागत करते हैं आर्यमान का। और आर्यमान जो है वो इस साल पास आउट होने वाले हैं, ठीक है, बाकी पास आउट ही हैं और जल्दी ही 2-3-4 दिन के अंदर जॉब ज्वाइन करने भी वाले हैं वो अपनी, ठीक है। तो उन्हीं से पूछते हैं उनका सफर कैसा रहा, उन्होंने कहां से तैयारी, मतलब किस तरीके से तैयारी करी है बेसिकली, और क्या रहा तैयारी के दौरान, उनकी मेंटेलिटी क्या रहती थी, सिर्फ पढ़ते रहना जरूरी है, जो भी चीजें हैं वो जरूर उनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले आर्यमान, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, और काफी अच्छा लग रहा है, काफी दिनों बाद हम मिल रहे हैं इस तरीके से, बहुत दिनों बाद बातें हो जाती है, ठीक है। तो स्वागत है, और मतलब मैंने जो जनरली आपके बारे में देखा है कि आप लाइफ से एक्सपीरियंस लेते हैं, बुक्स की जगह जो है वो लाइफ से एक्सपीरियंस लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आपकी जो शब्द है, आपकी बातें जो है वो बच्चों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचे, और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के जो जूनियर हैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले। तो सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं आर्यमान, आप ही बताइए क्या है, मतलब कैसे रहा, ठीक है, क्या रैंक रही आप लोगों की, बिल्कुल जरूर से स्टार्ट करते हैं। सर पहले तो थैंक यू सो मच मेरे को इनवाइट करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत याद आते हो सर आप, पर ड्यू टू बिजी शेड्यूल्स हम कभी कनेक्ट नहीं कर पाए। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फ्रेंड्स। मैं आर्यमान महेश्वरी, आई एम एन एलुमनाई अब फ्रॉम आईआईटी रुड़की, इसी साल जैसे सर ने बताया 2020 का बैच था मेरा, माई ब्रांच वॉज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और मेरी 2016 का पेपर फेस करने के बाद रैंक 462 आई थी जनरल कैटेगरी। सो आई थिंक कि काफ़ी मज़ेदार था मेरे जो भी प्रिपरेशन टाइम था। मैंने वाइब्रेंट से जो है कोटा के अंदर 11th से कोचिंग चालू करी थी JEE प्रिपरेशन की, और फिर मुझे आज भी याद है कि लास्ट में जो सर ने मुझे पुश किया था इनऑर्गेनिक के लिए, उसकी वजह से मुझे कितने ग्रेस पॉइंट मिले होंगे और शायद कितनी रैंक मेरी बढ़ी होगी वो मुझे अभी तो अंदाजा ही लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट्स पे सर अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, आपने बहुत पर्सनल हेल्प करी थी मुझे और मेरे एक और ब्रदर को जो पढ़ाने के लिए वहां पे घर गई, जिसकी वजह से हमारी रैंक बहुत बढ़ी। आपके लिए कुछ अगर करा है वो बहुत अच्छी चीज है, अगर आप लोग उसको याद रखते हैं लाइफ में आगे तक, ये आपके अंदर क्या है ना, एक आपको सॉफ्ट बनाए रखने का काम करती है, मतलब मेरे ख्याल से जब भी आप कोई चीज किसी चीज के लिए थैंक यू किसी को देते है ना, तो आपके अंदर एक सॉफ्टनेस रखती है, एक ईगो नहीं लाके रखती है कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ मुझसे ही, हमें मतलब मेरे ख्याल से सभी को थैंक्स बोलते हुए चलना चाहिए, जैसे कि हम ठीक है आप लोगों को पढ़ाते हैं पर आप लोगों से भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, मतलब हमारे जो पढ़ाने की एनर्जी होती है वो आप लोगों की एनर्जी से ही मिलती है, ऐसा नहीं है हम शुरुआत करते हैं इनिशिएट करते हैं जिसको अपन एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं, पर वो थोड़ी केमिस्ट्री तो बिल्कुल सर। तो पहला क्वेश्चन ये था आर्यमान के, जैसा कि आपकी रैंक तो अच्छी थी है ना, ब्रांच बताइए आप बच्चों को, ब्रांच क्या रही आपकी? मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग थी, तो आईआईटी रुड़की से मैंने ये किया था, बाकी इसके अलावा ऑब्वियसली आईआईटी में जाने के बाद खूब सारी चीजें हुई, आई वाना
गोल्ड मेडल इन टेबल टेनिस इनका कॉलेज, और मैं कोरियोग्राफी एंड डांस सेक्शन का मेंबर था उसके साथ साथ. अभी रिसेंटली रिसेंटली आई वाज द इवेंट्स एग्जीक्यूटिव ऑफ एसीएम स्टूडेंट चैप्टर आई टी ओकी, व्हिच इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन हु पुशेस फॉरवर्ड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और कंप्यूटर की फील्ड में जितना रिसर्च होता है जो भी है we try to push that. सारी ब्रांचेस तक ये मिले, सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बच्चों को ही नहीं और भी बाकी ब्रांचेस को इसका फायदा मिल पाए, तो इस इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ था मैं. तो दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट एम था कंप्यूटर साइंस ही लेना है, चाहे वो कोई सी भी आईआईटी में मिले या फिर मतलब दूसरी अच्छी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ मतलब टू वेरी ऑनेस्ट, 11th 12th में बच्चों को मतलब जैसे अभी आप है, आप बहुत अच्छी तरह वीडियो बना के दिखा पाएंगे बच्चों को कि क्या ब्रांच क्या होती है क्या नहीं होती है. जब हमारे टाइम पे ये सब इतना यूट्यूब पे अवेलेबल कंटेंट था नहीं, ऑनलाइन कंटेंट था नहीं, 4 साल पुरानी ही बात है लेकिन सच में उस वक्त इतना ऑनलाइन कंटेंट था नहीं, तो हम लोगों को इतना आइडिया था ही नहीं हमारी ब्रांचेस के बारे में. तो हम ऐसे ही हमारे प्रोफेसर या हमारे जो भी टीचर्स थे उनसे पूछा करते थे कि क्या ब्रांच ली जाए. उस टाइम जब हम मुझे फिजिक्स पसंद आती थी तो मैंने ये भी सोचा था कि क्या मैं आईआईटी बॉम्बे में इंजीनियरिंग फिजिक्स ले लूं और उसके आईआईटी रुड़की में कंप्यूटर साइंस लेने के अलावा, लेकिन क्योंकि मेरे टीचर्स मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे उन्होंने मुझे बोल दिया कि देख अभी जो फिजिक्स तू पढ़ रहा है और वहां जो फिजिक्स पढ़ाई जाएगी उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है, और ये काफी सेफ ब्रांच मानी जाती थी बहुत ज्यादा कंप्यूटर साइंस. आज भी मैं बोलूंगा कि काफी सेफ ब्रांच है, और ब्रांच लेने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे मेरी ब्रांच पसंद आ गई और बहुत ही मजा आया इस ब्रांच में. मुझे 4 साल काफी लॉजिकल रीजनिंग का इन्वॉल्वमेंट था, थोड़ी बहुत मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट था, तो ब्रांच वाइज कंप्यूटर साइंस एक बहुत ही अच्छी ब्रांच है ऐसा. मतलब आपने पैकेजेस वाइज भी काफी अच्छी ब्रांच करते हुए ब्रांच प्रीफर करी थी आईआईटी प्रीफर करते हुए उस वक्त मेरे लिए ये था कि मैंने आईआईटी बॉम्बे में मुझे मैकेनिकल भी मिल सकता था और उसके नीचे के सारी ब्रांचेस मिल सकते हैं, मतलब सभी आईआईटी तो से आपको इसके अलावा ब्रांच कंप्यूटर साइंस के अलावा तो सभी में कुछ मिल ही जाता आपको, मतलब जो भी आप चाहते. यस यस डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, मतलब पर हमने कंप्यूटर साइंस ब्रांच को प्रेफर किया. को जो है स्टूडेंट को जो है वो ब्रांच प्रीफर करनी चाहिए आईआईटीज के अंदर, शुरू की 7 आईआईटीज में, या फिर आईआईटी प्रीफर करना चाहिए, या कुछ मतलब एक कॉम्बिनेशन थोड़ा आईआईटी थोड़ा रहेगा? हाँ ये सर थोड़ा कॉम्बिनेशन का रहेगा, क्योंकि मैं ये बोलूंगा कि ऑब्वियसली 7 old IITs आर बेटर देन जो न्यू आईआईटीज आई हैं. हालांकि देर आर सम एक्सेप्शंस इन देयर आल्सो, अगर कोई ऐसा लड़का है जिसको कंप्यूटर साइंस ही करना है, उसने थोड़ा चख रखा है इस बात कंप्यूटर साइंस का और उसको पता है कि मुझे करना है, तो मेरे थोड़े सुनने में आया है कि आईआईटी इंदौर जो है वहां का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट बहुत आगे जा रहा है, तो अगर उस लड़के को पक्का पता है कि वो कंप्यूटर साइंस के लिए ही बना है, उसको बाकी सब चीजों से फायदा नुकसान देखना ही नहीं है, तो वो डेफिनेटली आईआईटी इंदौर जा सकता है, मतलब जहां तक मुझे दिख रहा है. पर ज्यादातर बच्चों को सर ये होता नहीं है आइडिया कि ब्रांच एग्जैक्टली क्या डिमांड करेगी, क्या डिमांड करती है, सही बात है. हाँ, 11, 12 तक आप तो पढ़ते हैं और ब्रांच अलग चीज है, डिफरेंट, बिल्कुल अलग चीज है, बिल्कुल डिफरेंट चीज है, और उसके आखिर में तुम्हारी लाइफ टाइम बेसिकली तुमको उसी ब्रांच में जॉब करना है, तो ब्रांच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है. बट मैं ये बोलूंगा कि कंटिन्यू तो मैं ये बोल रहा था कि जो मिक्स वाली बात हम कर रहे थे ना कि आईआईटी और ब्रांच में जब हमको प्रेफरेंस देना चाहिए, तो मैं ये बोलूंगा कि उन बच्चों को जो जनरली ये नहीं जानते कि ब्रांच क्या है, उनको प्रेफर करना चाहिए कि एक बेटर आईआईटी मिल जाए, उसमें भी मतलब 7 old IITs में से कुछ मिल जाए, उसमें भी बहुत, हालांकि फर्क आता है, बिल्कुल फर्क आता है, बॉम्बे दिल्ली के सामने, कानपुर के सामने, रुड़की गुवाहाटी या IIT BHU का, there are differences between all of these institutes, लेकिन फिर भी ये जो नए IITs आए हैं उनके सामने अगर आपको ये मिल पा रही है तो you should go for it, but वहाँ पे वापस ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा तुमने ब्रांच पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि आगे कोई फ्यूचर ही नहीं बचा, 4 साल बहुत अच्छे हो गए लेकिन कोई फ्यूचर नहीं बचा, तो मतलब there should be limitations to everything, बहुत ही कठिन चीज है ये समझना कि तुम्हें एग्जैक्टली कहाँ जाना चाहिए. अच्छा, मैं जैसे बात आई है अपने कंप्यूटर साइंस की, अब एक बात आपने ये भी बोली थी कि आपको लगभग आगे लाइफ में उसी ब्रांच में रहना चाहिए, एक
एक बच्चों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि मैं दूसरी ब्रांच लेके भी क्या कंप्यूटर साइंस में आईटी में जा सकता हूँ क्या, जैसे सपोज करो मेटलर्जी ले ली, इलेक्ट्रिकल ले लिया, या कोई लोअर ब्रांच ले ली, जो सपोज करो उसने आईआईटी प्रीफर करके लोअर ब्रांच ले ली और उसके बाद में वो कंप्यूटर साइंस में जो प्लेसमेंट आता है वहां पे वो अप्लाई कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब में जाए और कोई बात हो इस बारे में, क्योंकि बच्चे जिस तरह का स्ट्रेस लेते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने का, मेरा ये मानना है और जहां तक मैंने देख लिया कि जो अपॉर्चुनिटी है वो जितनी कंपनीज आती हैं, सर मान लीजिए कि 100 कंपनीज आई हैं प्लेसमेंट के लिए, उनमें से बहुत ही कम, मतलब शायद 10% कंपनीज ऐसी होंगी जो ये क्राइटेरिया रखती हैं कि इसी ब्रांच का बच्चा चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच का बच्चा चाहिए। अदरवाइज 90% कंपनीज ओपन हो जाती हैं कि जो भी बच्चे के पास टैलेंट है वो बच्चा आ सकता है और दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ये मानना है कि बाकी ब्रांचेस में रहते हुए तुम बेशक कंप्यूटर साइंस के लिए जो भी इन्वॉल्वमेंट, जो स्किल्स चाहिए वो डेवलप कर सकते हो। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझसे भी ज्यादा डेवलप किया अपने आप को इस तरह से मेटलर्जी या केमिकल ब्रांच में रहते हुए ही, मुझसे बेटर प्लेसमेंट्स भी पा पाए वो लोग। और मैं मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम कि उन्होंने अपनी ब्रांच को साथ में लेते हुए हमारी स्किल्स जो हमारी ब्रांच में सिखाई जाती है वो स्किल्स भी डेवलप करी और अच्छी तरह से उन्होंने प्लेसमेंट भी पा लिया। अच्छी बात है, मतलब ये उन बच्चों के लिए एक मतलब आशा की किरण टाइप हो गई कि मतलब आप अगर कम भी रैंक आ गई है आईआईटी में तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सपना आगे जाके भी पूरा हो बिल्कुल सकता है। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर बिल्कुल। और इसमें एक चीज, इसके और भी तरीके हैं, मैं इसके और भी तरीके बताना चाहूंगा। आजकल ब्रांच चेंजेस भी बहुत, जैसे आईआईटी रुड़की का मुझे पता है, मुझे बाकी आईआईटीज का नहीं पता है इस मैटर पे, पर ब्रांच चेंज के लिए बहुत सीट्स खुल गई हैं। जब मैं गया था 2016 में पास होके, फर्स्ट ईयर था मेरा, तब हमारे टाइम पे केवल 2 बच्चे आ सकते थे, बाकी पूरे आईआईटीज में से कंप्यूटर साइंस में शिफ्ट हो सकते थे अपने ग्रेड्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अब वो बढ़ के 2 से बढ़कर 12 हो चुकी है, 12 सीट्स हैं जो कि बाकी बच्चे फिल कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में आ सकते हैं। तो ब्रांच चेंज इज अ रियल थिंग जो कि होता है और लोग कर भी पाते हैं और बिल्कुल आ पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छी ब्रांच होनी चाहिए उसके लिए भी, बहुत निचली ब्रांच से भी बच्चे जो है वो अब कंप्यूटर साइंस में कन्वर्ट भी हो पाते हैं। बट अगर उसमें भी नहीं हुआ तो मतलब अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, आप फर्स्ट ईयर में इतने अच्छे ग्रेड नहीं ला पाए तो भी कोई बात नहीं, मतलब आशा कभी खोनी ही नहीं है क्योंकि आप फिर भी प्लेसमेंट मेहनत करते रहना है बेसिकली। बिल्कुल, अगर आपको पता है कि आपको इस फील्ड में, ऐसा लगता है कि मतलब एक बार अगर बच्चा आईआईटी में एंटर कर रहा है तो वो मेहनत कहीं ना कहीं करके आया है, चाहे वो पीछे ही रैंक हो पर वो मेहनत करके आया है, तो एक उसकी आदत बन जाती है, खून में मेहनत करना हो जाता है बेसिकली उसके, आ जाता है उसको मेहनत करना आता है उसको। पॉजिटिव माइंड के साथ रहना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है कि नहीं कहीं ना कहीं तो अपन फोड़ ही देंगे बेसिकली। Yes, बिल्कुल सर बिल्कुल, ये एकदम सही बात बोली आपने। एक थोड़ा सा कॉलेज को लेके, जब आप गए कॉलेज में, थोड़ा सा मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। जैसे आप कॉलेज में गए तो एक है ना, हमारे टाइम तो जब हम पढ़ते थे थोड़ा रैगिंग वगैरह होती थी पर हम उसको पॉजिटिव लेते थे क्योंकि सीनियर्स के साथ में बहुत अच्छे रिलेशंस बन जाते थे। अब हम रैगिंग वर्ड तो यूज नहीं करते हैं, पर इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ सीनियर्स के साथ में जब आप लोग गए? बिल्कुल सर बिल्कुल हुआ था इंट्रोडक्शन। और हम भी मतलब उस, बिल्कुल बिल्कुल घबराहट थी सर, डर लगता तो था। फर्स्ट ईयर की बात है, जब हम गए थे तो हमको हमारे कैंपस में एक मंदिर है वहां पे हम सारे बच्चों को बुलाया गया था कि आप सब लोग आइए और आप सब लोग आके इंट्रोडक्शन दीजिए। पर वो एक बहुत ही, पहले हम लोगों को बहुत डर लग रहा था, कुछ बच्चों ने बोला भी कि शायद ना जाए, क्या हो क्या नहीं हो पता नहीं यार। पर बहुत मजेदार इवेंट था वो, हम सब लोगों को आके कुछ ना कुछ बताना था, बातें करनी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ कुछ, मैं इसको रैगिंग की जगह ट्रेडिशन बोलूंगा, हर एक कॉलेज का अपना एक ट्रेडिशन होता है। हाँ, तो उससे तुम अपने दोस्तों में भी, तुम अपने ही ब्रांच में भी बहुत सारे दोस्त नए बनाते हो और अपने सीनियर से भी काफी अच्छा, बहुत फटाफट इंट्रोडक्शन होता है, एक फ्रेंडशिप लेवल हो जाती है। जाके सीनियर से मिलना चाहिए,
बच्चे डरते हैं कि नहीं रैगिंग ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आई थिंक मेरे ख्याल से वो इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो आपको प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत मतलब काम आता है, जब आप अपने exactly. के सामने अपना इंट्रो दे रहे होते हो और कंपनी के अंदर जब आपसे कुछ पूछा जाता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो वो जो इंट्रोडक्शन होता है वो ही आपको फ्री फ्लो एकदम मेरे ख्याल से लेके जाता है आगे। बहुत सही बात बोली सर आपने, बहुत सही बात बोली एग्जैक्टली। और वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। हॉस्टल्स वगैरह का कुछ जैसे तो हॉस्टल के अंदर तो मतलब आप हॉस्टल्स के काफी सारे फन किस्से हैं हम सबके पास होते हैं। अभी तो बहुत ही अच्छी पिक्चर आई थी छिछोरे करके, उस पिक्चर ने मेरे हिसाब से बहुत ही हूबहू दिखाया कि हॉस्टल के अंदर किस तरह के मजाक मस्ती होती है और मस्तियां चलती हैं। और ये हकीकत है, और एक ही रूम में सब पड़े रहते हैं, पता भी नहीं चलता, और चार जने होते हैं वो बिल्कुल नहाते नहीं है सर्दी के दिनों में, है ना। सर्दी के दिनों की कहां बात कर रहे हो सर, पूरे साल भर ही नहीं नहाते। थोड़ा सा मैं मिट्टी डालने की कोशिश कर रहा था। इस तरह की मस्ती बहुत चलती है सर, हॉस्टल लाइफ बहुत ही अच्छी लाइफ है, मतलब बेस्ट पार्ट ऑफ आवर एवरीबॉडीज लाइफ, सबको जीना चाहिए। जैसे कोई आईआईटी कानपुर का भी बंदा है ना, तो उसको फिर कानपुर में एडमिशन नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से, दूसरी आईआईटी में ले लेना चाहिए, क्योंकि हाँ ट्राई करना चाहिए हॉस्टल मिले, है ना। बिल्कुल, ये जो दोस्त बनते हैं मेरे ख्याल से हॉस्टल लाइफ में, जो दोस्त बनते हैं वो काफी मैच्योर्ड होते हैं और आगे तक आपको मेरे ख्याल से मदद करते हैं, आपकी समझते हैं। हॉस्टल लाइफ में जो दोस्त बनते हैं सर, मेरे हिसाब से वो दोस्त कम और भाई वाला रिश्ता बहुत ज्यादा बन जाता है। मेरा है ना, भाई है तू मेरा, बिल्कुल भाई है तू मेरा। क्योंकि वो तुम्हें हर तरह, उसने आप तुम्हें हर तरह से देखना है, चार साल के अंदर तुम उसी के आसपास रहने वाले हो, तुम जिस तरह का भी हर तरह का मूड देखेगा, तुम्हारी बीमारी भी वही संभालेगा बेचारा, तुमको हॉस्पिटल लेके जाएगा, तुमको दोस्त कोई लड़की का चक्कर है तो वो ही बचाएगा। टाइप्स, यस बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजेदार। क्या रहता है आप लोगों के, जैसे मेस वगैरह का आप लोग खुद ही रन करते हो या मतलब कोई कमेटी होती है? एक्चुअली मेस जो होता है, अभी आईआईटी रुड़की में नया कॉन्सेप्ट चालू हुआ है कि देयर हैज बीन अ प्राइवेटाइजेशन ऑफ मेस, जहां पे वो टेंडर निकालते हैं और प्राइवेट चीजें भी आ सकती हैं। ज्यादातर आईआईटीज के अंदर आई गेस गवर्नमेंट टेंडर निकाल के लोगों को, कैटरर्स को हायर करती है मेस के लिए, बट देयर इज अ मेस सेक्रेटरी इन ऑलमोस्ट एवरी आईआईटी, जो कि स्टूडेंट बॉडी इलेक्ट करती है। जो होते हैं हॉस्टल के इलेक्शन होते हैं, उसके हिसाब से तुम अपने सेक्रेटरी खड़ा करते हो, वो अपने हिसाब से मेनू बनाता है कि चलो भाई इस हफ्ते ये मेनू रहेगा, इस हफ्ते ये बजट के हिसाब से। बट जो भी बोलिए सर, अच्छी से अच्छी आईआईटी की मेस देख ली मैंने, बुरी से बुरी आईआईटी की भी मेस सुन ली मैंने। मेस का खाना मेस का खाना ही रहेगा, उसको बहुत ज्यादा तुम उस पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा है। मतलब आपकी प्रायोरिटी खाना नहीं होनी चाहिए बेसिकली, है ना? प्रायोरिटी खाना नहीं होनी चाहिए वहां पे, कि तुम सोच रहे हो कि मैं जाऊंगे लजीज खाना खाने को मिलेगा, बहुत ही मजा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आखिर में वहां पे भी वही दोस्तों के साथ बैठ के मस्ती करने का माहौल जो होता है वो रहता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती ना उस वक्त। तो कुछ भी है तो दोस्तों के साथ मिलके चार गाली देखेगी, खाना खाने में आ जाएगा। बस वो चार गालियां देने में ज्यादा मजा आता है खाना खाने से, अपने आप खाना उतर जाता है। तो सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। या फिर आप दिन भर की इतनी मेहनत हो जाती है कैंपस के अंदर, खूब दौड़ भाग करके आ जाते हो, उसके बाद जब मेस जाते हो तो तुम इधर नहीं देखते उधर नहीं देखते हो, और चार रोटियां अपने पेट में चली जाती है, तो वो भी एक चीज रहती है। बाकी मेस के खाने से नहीं, एक्सपेक्टेशन बहुत सारे बच्चों को मैंने देख लिया फर्स्ट ईयर में आके बड़े परेशान हो जाते हैं कि अरे सर मेस का खाना अच्छा नहीं है, मेस का खाना अच्छा नहीं है। तुम एक्सपेक्ट भी क्यों कर रहे थे? सही बात, तुम्हें एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए। सभी के लिए बहुत अच्छी चीज है कि खाने को प्रायोरिटी ना रखें सिर्फ, है ना, एंजॉय करें। बिल्कुल। और कॉलेज आप लोग रेगुलर ही जाते थे या बंक वगैरह भी मारते थे कभी कभी? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ग्राफ जो है अटेंडेंस का वो नीचे होता जाता है, मैंने देख लिया है। हर साल जो है तुम कम जाते जाओगे क्लास के अंदर, अटेंडेंस कम होती जाएगी तुम्हारी। लेकिन एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है परसेंटेज का, कुछ आईआईटीज में है कुछ में नहीं है। कानपुर के अंदर देयर इज नो मिनिमम परसेंटेज कि तुम्हें इतना परसेंट अटेंड करना है, हमारे में 75% है, बीएचयू में भी 75% है इस तरह से। तो जब ये चीज होती है तो ऑब्वियसली तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि तुम कितना अटेंड करोगे, और मैं इसको बिल्कुल भी बुरा एट्रीब्यूट नहीं समझता
क्लास बंक करना बिल्कुल नेगेटिव एट्रीब्यूट नहीं है, अनटिल अनलेस तुम्हारे पास कुछ बेटर चीज है उस दिन करने को। अगर तुम्हारे पास कुछ बेटर प्लान है उस दिन करने को तो तुम बिल्कुल क्लास को एक कम प्रायोरिटी दे सकते हो, क्योंकि आखिर में जो मैं बोलने भी वाला था, सोचा था बताने के लिए ये भी चीज सारे बच्चों को कि प्रोफेसर स्पून फीड नहीं करते वहां पे, बिल्कुल भी नहीं। आखिर में वो पढ़ाई तुम्हें तुम्हारे आप से ही करनी है। तुम कितनी भी क्लासेस अटेंड कर लो, तुम जब कमरे में खुद बैठ के किताब खोल के पढ़ोगे तभी तुम्हें क्लियरली इमेज जो है समझ आ पाएगी। तो अगर तुम्हें क्लास अटेंड नहीं करनी फॉर सम प्रायोरिटी और सम डिफरेंट बेटर प्रायोरिटी चीज, तो बिल्कुल करनी चाहिए क्लास प्रायोरिटी। हाँ, प्रायोरिटी अब वो बेटर होनी चाहिए, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस चीज में है ना, वो तुम्हारे ऊपर है। गवर्नमेंट तो आप लोगों के टाइम पे तो रेशो कम था, ठीक है ना, मतलब गर्ल्स कम थी और अब तो रिजर्वेशन से गर्ल्स। हमारे सर 74 बच्चों के बैच में दो लड़कियां थी हमारे बैच के अंदर। मतलब आपके साथ पूरी सांत्वना है इस बारे में। हर ऑप्शन खुले हुए हैं, आप बाहर निकले हैं तो, है ना। आईडी का टैग अपने आप में बहुत बड़ा है। खैर हाँ, लेकिन अब काफी इंटेक हो चुका है लड़कियों का, काफी रेशियो अच्छा हो गया है, सुधर गया है उससे काफी पॉजिटिव नेगेटिव। रेशियो सुधरा होगा तो मतलब आपके और आपके जूनियर्स के बीच में थोड़ा कंपटीशन तो हुआ होगा मेरे ख्याल से, है ना। सर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, थोड़ा कम ही है। सीनियर और जूनियर बहुत ही, मतलब मैंने देखा है कि जहाँ पे अच्छा ट्रेडिशन सेटअप होता है कॉलेज के अंदर, वहाँ सीनियर्स एक बहुत अच्छी तरह गाइडेंस देने वाली फिगर ही रहते हैं। मतलब बिल्कुल एक डेकोरम मेंटेन करके रहता है। और मतलब मेरे लिए, मुझे नहीं लगता कि जूनियर्स को ये सोचना चाहिए कि अरे सीनियर ले जाएगा हमारी लड़की को, क्योंकि सीनियर को कोई इंटरेस्ट नहीं है जूनियर लड़की को ले जाने में। वो उसको केवल गाइड करना चाहता है और इसी वजह से शायद उसके साथ समय बिता रहे हैं। लेकिन डेकोरम मेंटेन रहता है सर मेरे हिसाब से, जहां तक मैंने देखा है। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, मतलब जो नए बच्चे आने वाले हैं वो सिक्योर रहे, मतलब सिक्योर रहे, आपके पास ही रहेगी आपकी लड़की, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलिए तो और मतलब जैसे आप तो आईआईटी रुड़की से है तो आसपास काफी घूमने की आपको जगह मिली होगी, खूब ट्रैकिंग वगैरह करी होगी आपने। बहुत 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 आईआईटी रुड़की का पढ़ाई के साथ साथ ये टाइम मिल जाता था ना आराम से। सर बिल्कुल पढ़ाई के साथ साथ, और मतलब हमारी लाइफ वहां पे जैसे कोटा में रहता है, या जब तुम कोचिंग प्रिपरेशन करते हो कि लाइफ का शायद पढ़ाई के अराउंड ही तुम्हारी लाइफ चलती है, इससे बहुत ज्यादा स्पेक्ट्रम चेंज हो जाता है जब तुम आईआईटी जाते हो, कॉलेज जाते हो, तब तुम्हारी लाइफ सिर्फ मतलब पढ़ाई के अराउंड बिल्कुल रिवॉल्व नहीं करती है। तुमको पढ़ाई के लिए टाइम निकालना होता है उस लाइफ से, क्योंकि उस लाइफ में इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही होती है जहाँ पे तुम इन्वॉल्व रहते हो, जहाँ तुम्हें पढ़ाई के लिए निकालना होता है। और जहाँ आप ट्रैकिंग की बात करें, लोकेशन की बात करें, रुड़की की लोकेशन मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस है आईआईटी के अंदर, क्योंकि हमारे लिए ऋषिकेश मतलब सैटरडे संडे वाली चीज है। मेरे को भी बहुत सैटरडे संडे ये लगभग, मतलब मैं बिल्कुल 6 सालों के अंदर 3 बार तो हुआ आया हूँ जब भी हूँ, मतलब आप सोच लीजिए। बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, तो काफी बहुत सुकून वाली जगह है। आईआईटी रुड़की का कैंपस एक कैंपस है जो तुम बाद में मिस करने लगोगे, कि हर कोई अपना कैंपस मिस करता है, लेकिन उस कैंपस की शांति बहुत मिस करते हो, पहाड़। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा जो कि बहुत यूनिक है मतलब रुड़की के बारे में, एक HEC क्लब करके है वहाँ पे, हिमालयन एक्सप्लोरर क्लब। तो वो बच्चे जिनको माउंटेनियरिंग का शौक है, ट्रेकिंग का शौक है, वहाँ बहुत ही सस्ते में नई नई जगहें ढूंढने का काम भी आईआईटी रुड़की के एक क्लब वाले करते हैं। आपको पूरी तरह ट्रेन करेंगे और आप हिमालयों की चोटी तक जाएंगे। और मैं हालांकि इतना डेयरडेविल बच्चा हूं नहीं, लेकिन अगर कुछ हैं लोग जो ये सुन रहे हो और जिनको बहुत वो हो, तो उनके लिए बेनिफिशियल है ये जानना कि वहां पे इस तरह का एक क्लब भी है जो कि ये करता है, जो कि काफी यूनिक लगता है मुझे। तो हाँ, बहुत सारी एक्टिविटी। आप लोगों के जो प्लेसमेंट वगैरह होते हैं उसमें आप लोग सिंगल कंपनी में, मतलब एक बार सेलेक्ट हो गए तो फिर आगे बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं दूसरी में? प्लेसमेंट एक बहुत ही सर ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है, और क्या होता है कि मतलब इट इज अ वेरी स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज तरीका, मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लेसमेंट का जो तरीका होता है। और ये जो आप बोल रहे हैं, जो आपने सवाल पूछा है, इसका आंसर येस और नो दोनों है। वो इस वजह से क्योंकि आप अप्लाई बहुत सारी कंपनीज में कर सकते हैं,
आप उनकी स्क्रीनिंग भी बहुत सारी कंपनीज की दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, पर प्लेसमेंट जो आईआईटीज में होता है वो इस तरह से होता है कि आईआईटी कंपनी को प्रायोरिटी देती है और कंपनियां और आईआईटी के बीच में, आईआईटी का जो प्लेसमेंट सेल है और कंपनीज के बीच में एक समझौता होता है कि हमको आप ये प्रायोरिटी दे दें, हमको ये प्रायोरिटी देते हैं, तो कंपनीज आपके सामने एक प्रायोरिटी लिस्ट में आती है कि अगर आप इस कंपनी में चले गए तो आपको बाकी कंपनीज में जाने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमारे हिसाब से एक बहुत अच्छी कंपनी है, तो आपको वो प्रायोरिटी लिस्ट देखते हुए ये काम करना होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जॉब लगा, तो माइक्रोसॉफ्ट एक हाईएस्ट प्रायोरिटी कंपनीज में से आती है, तो ये आईआईटी रुड़की के अंदर बाकी बहुत सारी कंपनीज में से, मतलब ये डे जीरो एक दिन पहले इंटरव्यू होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और गोल्डमैन सैक्स और इस तरह की जो बड़ी कंपनीज हैं उन सब के एक दिन पहले इंटरव्यूज हो जाते हैं, और अगर इन इंटरव्यूज में तुम सिलेक्ट हो गए तो तुम उनमें बैठ ही नहीं सकते, तो बाकी बच्चे क्योंकि उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो लोग आगे जा पाएंगे, सबको मौका मिलना चाहिए। हाँ, आपको आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से अगर कॉलेज मिली ही, मतलब कंपनी मिली गई है, तो आप फिर दूसरे को भी मौका दीजिए, फिर आप दूसरे का सीट नहीं ले सकते, तो हाँ इस तरह से एक बहुत अच्छा फ्लो रहता है प्लेसमेंट के लिए। अच्छी चीज है ये, बहुत अच्छी चीज है। तो आपकी जो कंपनी, एक बार मैं नाम मैं तो याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ, बच्चों को माइक्रोसॉफ्ट में सर मेरी प्लेसमेंट लगी थी, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मैं कल ही से ज्वाइन करने वाला हूँ एक्चुअली, तो वर्क फ्रॉम होम वीडियो मैं अपलोड करूंगा, फिर भी आज अपन जो रिकॉर्ड कर रहे हैं 29th को आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं 29 जून से ज्वाइन करूंगा माइक्रोसॉफ्ट, तो वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा फिलहाल। तो वेरी गुड आर्यमान, तो आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू, और आगे भी अगर आपकी जरूरत पड़ी तो मैं आपको जरूर से परेशान करूंगा कुछ बच्चों के गाइडेंस के लिए, और आपको आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक, और इसी तरीके से एनर्जेटिक रहें और अपना दिल हमेशा बड़ा रखें। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, कुछ लास्ट थैंक यू सो मच बच्चों को बोलना चाहेंगे, आने वाले स्टूडेंट्स को, जूनियर्स को जो बोलना चाहेंगे वो जरूर से आप। मैं सभी लोगों को अगर कोई एडवाइस दे सकता हूं तो वो ये दे सकता हूं कि अपने आप से कभी भी धोखा मत करना। ये अपने आप से धोखा करने का मतलब होता है खुद को ये बोल देना कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सैटिस्फैक्ट्री है, खुद को ये बोल देना कि कोई बात नहीं तूने मेहनत कर ली, अब तू थक गया है बैठ जा। अगर तुम्हें पता है कि तुम थके नहीं हो तो तुम किसको धोखा दे रहे हो, तुम खुद ही को धोखा दे रहे हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने आप से कम, दूसरों से भी नहीं बोलना चाहिए पर कम से कम अपने आप से झूठ या धोखा, मतलब अपने आप से तो इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सही बात है, नहीं बोलना चाहिए। आप दुनिया को बेवकूफ बना लो, आप किसी और को तो बना ही नहीं सकते, मतलब अपने आप को कभी नहीं बना सकते। बिल्कुल, ये हर जगह काम आने वाली एडवाइस है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू आर्यमान सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर यूट्यूब चैनल, ऑल द बेस्ट फॉर एवरी सीरीज। मैं चाहूंगा कि बहुत से बहुत बच्चों को इससे फायदा हो और वो बेटर डिसीजन के बाद में एनआईटीज भी और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए सर, मतलब क्या हो, मेरी सोच ये है कि वहां का स्टूडेंट ही बता सकता है कि वहां वास्तव में हो क्या रहा है, तो इसी थॉट के साथ में सीरीज बनाने की कोशिश करिए। चलिए, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वंस अगेन आर्यमान, ओके ओके सर, ओके बाय सर।